नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं एक इन्फॉर्मेशन कि ये गण आखिर है क्या। देखिए, आप जैसे ही अपनी कुंडली ओपन करेंगे तो उसमें आपको गण एक जगह लिखा हुआ दिखेगा और उसके सामने दिखेगा आपको राक्षस गण, देवगण या मानव गण। तो आखिर ये गण है क्या और तीनों प्रकारों के जो गण है उससे स्वभाव का क्या कनेक्शन है। देखिए, जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं 27। इनको अगर तीन पार्ट्स में आप डिवाइड करें तो 999, नौ नौ नक्षत्र अलग होते हैं और हर नौ नक्षत्रों के साथ जुड़ा है एक गण, वो भले राक्षस गण हो, देव गण हो या मानव गण हो। तो जैसे ही आप अपनी कुंडली ओपन करेंगे तो उसमें ये चीज आपको साफ दिख जाएगी, आप कौन से गण से बिलोंग करते हैं, कुंडली कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं। उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ और सही समय चाहिए, उसके बाद आपका स्थान, जन्म स्थान। ये तीनों चीजें जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपकी कुंडली बनकर सामने आ जाएगी, उसी में आपको ये साफ चीज दिखेगी कि आप कौन से गण से कनेक्टेड है। तो आज हम चर्चा करेंगे इन गणों के ऊपर, क्या है इनका रिलेशन हमारे स्वभाव से, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मानव गण। मानव गण आप समझ लीजिए शब्द से कनेक्टेड है, मानव यानी इंसान, ऊपर वाले ने बनाया है, हमारा शरीर बनाया है तो कर्म के लिए। तो ऐसे लोग कर्म करते हैं, ज्यादा भूत भविष्य की कम चिंता करते हैं, धनवान होते हैं अपने जीवन पर क्योंकि इनका कर्म पर कंसंट्रेशन होता है, सम्मान की प्राप्ति ये करते हैं अपने जीवन में, काफी यशोगान इनको मिलता है। इसके बाद अगर थोड़ी सी बात करूं तो ये मतलब अपने जीवन में स्थिर पोजीशन में चलते हैं, ना तो ज्यादा इन्हें भागदौड़ पसंद है और ना ही ज्यादा रुकना। जो जिम्मेदारी इन्होंने हाथ में लिए उसे करते रहते हैं, उसे निभाते हैं और जीवन इनका काफी अच्छा होता है, स्वभाव से भी काफी अच्छे होते हैं क्योंकि ना तो ये किसी के लिए ज्यादा बुरा सोचते हैं ना ही ज्यादा लोगों के लिए अच्छा भी सोचते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये बैलेंस पोजीशन में ऐसे लोग रहते हैं मानव गण वाले। और इसकी बात अगर इनके थोड़े स्वभाव की और अगर बात करें तो ये जो लोग होते हैं वह मतलब मान सम्मान तो प्राप्त करते ही है, लेकिन इनकी जो बात होती है, ये जो बात कहते हैं, इनकी लोग सराहना करते हैं और इनकी बात को प्राथमिकता देते हैं। यानी अगर ये किसी को राय देंगे, सलाह देंगे तो इनकी बात को सुना जाएगा, इनकी बात पर गौर भी किया जाएगा। नेक्स्ट गण के ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों, वो है देवगण। देवगण जो है वो देवता से कनेक्टेड है, ये समझ लीजिए आप। यानी वैसा उनमें स्वभाव होगा, बुद्धिमान होंगे, बुद्धि की अधिक प्रचुरता होगी इनके अंदर, कम खाना खाते हैं ऐसे लोग, भोजन ज्यादा नहीं करते। ऐसा नहीं कि भाई भोजन पे इनका ज्यादा दिमाग लगा रहता है या फिर ज्यादा खाना खाते हैं, कम खाने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। हृदय से ये कोमल होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, विचार इनके उत्तम होते हैं, दान पुण्य भी इनको अच्छा लगता है। कोई गरीब आदमी इनको दिख गया अगर, और या फिर कोई दान पेटी दिख गई, तो दान करे बिना ये नहीं रहने वाले हैं, उसमें कुछ ना कुछ ही अपने इच्छा के अनुसार दान जरूर करेंगे। अच्छा स्वभाव, अच्छा नेचर, मन के कोमल, मन के अच्छे, अच्छा सोचने वाले, ऐसे गुण इनके अंदर होते हैं। अब तीसरा जो गुण है वो है तीसरा जो गण है वो है राक्षस गण। अब राक्षस गण का नाम आते ही हम लोग डर जाते हैं कि भाई हम क्या राक्षस जैसे हैं अगर हमारी कुंडली में राक्षस गण लिखा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप ऐसा ना सोचें, राक्षस गण वाले हैं। लेकिन इनका जो सोचने का तरीका है कुछ नेगेटिव तरीके का सोचने का तरीका, यानी कुछ ना कुछ नकारात्मक सोचें इनके दिमाग में चलती रहती है, और इसके साथ साथ में इनमें एक्साइटमेंट होता है, ऊर्जा शक्ति होती है, सदैव ये चाहते हैं कि मुझे बड़ी कुर्सी, बड़ा पद मिले, मैं जल्दी से प्रमोशन ले लूं, जल्दी से मैं, ये जो मेरे बॉस की कुर्सी है ये मेरे हाथ में आ जाए, कुछ इस तरह की सोच इन लोगों के हाथ में रहती है। और ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है इनके आसपास, उससे ये सेंस करते हैं, इनकी जो सिक्स सेंस पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। यानी कह सकते हैं कि राक्षस गण वाले थोड़े एडवांस होते हैं क्योंकि उनके अंदर सिक्स सेंस की क्वालिटी है, छत्ती छठी जो इंद्री है इनकी जागृत होती है, ये फील करते हैं अपने आसपास अगर कोई नेगेटिव घटना होने वाली है, नकारात्मक घटना होने वाली है, कोई ऐसी बात होने वाली है जो इनको परेशान करेगी, या कुछ भी इनके जीवन में ऐसा होने वाला है जो इनके लिए अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर ये पहले ही इसका आभास कर लेते हैं, पहले ही इनको ये चीज फील हो जाती है। इनके अंदर लड़ने की क्षमता होती है, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये लोग दबते नहीं हैं, मतलब डटकर मुकाबला करते हैं, भयभीत नहीं होते उस सिचुएशन से। और नेगेटिव जो अगर परिस्थितियां होती है उसमें भी ये प्रतिकूल रहते हैं, अपने आप को स्थिर रखते हैं, मजबूत रखते हैं अपनी मतलब अंदर से जो एनर्जी है उसको। इच्छा शक्ति भी इनकी बहुत प्रबल होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्वतंत्र विचार के होते हैं, ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर कोई व्यक्ति अपना
प्रभुत्व जमाए या इन्हें ऑर्डर दे, ये चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से अपने विचारों के माध्यम से काम करूं, मुझे ऑर्डर देने वाला कोई नहीं होना चाहिए। गुस्सा इनके अंदर काफी ज्यादा होता है, तो लड़ाई झगड़ों के अंदर ये अपना गुस्सा दिखाते भी हैं, और थोड़ा कटु बोलने वाले, यानी कि ऐसे शब्द बोलने वाले होते हैं जो चुप जाते हैं। तो जो ये राक्षस गण वाले हैं, इनको तो मैं कम से कम राय दूंगा ही कि ये मेडिटेशन से जरूर जुड़े, क्योंकि मेडिटेशन से अगर ये जुड़ेंगे तो ये जो समय समय पर गुस्सा आना, नेगेटिव सोच, और जो ये एकदम से एक्साइटेड हो जाना, इन सब चीजों को ये बैलेंस कर लेंगे और बहुत ज्यादा सफलता ये प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर। तो ये अगर मेडिटेशन करेंगे तो इनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, और इनकी छठी इंद्री क्योंकि जागृत रहती है तो इनको इसका बेनिफिट भी मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा जीवन में, ये काफी अच्छे सक्सेस हो सकते हैं। अभी मेरे रिसेंटली यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट आया था कि सर आप कहीं ना कहीं अपनी वीडियो में मेडिटेशन का जिक्र जरूर करते हैं, तो क्या आपको इसका कमीशन मिलता है क्या, मेडिटेशन का प्रमोशन करने का आपको कमीशन मिलता है या कहीं से पैसा मिलता है? तो देखिए, मैंने उसको एक ही जवाब दिया, बिल्कुल हाँ मुझे कमीशन मिलता है। कैसे मिलता है? डायरेक्टली तो नहीं मिलता है, इनडायरेक्टली मिलता है। कैसे मिलता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब भी मैं कोई मेडिटेशन पर वीडियो बनाता हूँ या किसी को राय देता हूँ मेडिटेशन की, और वे व्यक्ति सामने वाला अगर मेडिटेशन करता है और मेडिटेशन करने से उसे फायदा होता है, और उस फायदे का अगर मैं माध्यम बन पाया, तो मैं 100% ये चीज जानता हूं कि किसी भी शुभ कार्य का अगर आप माध्यम बनते हैं तो 100% वो ऊपर वाला आपको कुछ ना कुछ कमीशन देता है, और वो सुख के रूप में कमीशन होता है जो इनडायरेक्टली उसको मिल ही जाता है। तो मेरा कमीशन ये है जो मुझे ऊपर वाला दे देता है, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आती, जीवन अच्छा चलता है, सारे काम ऑटोमोड पे चलते हैं। मैं खुद भी मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे कोई ना टेंशन है, ना कोई मुझे मृत्यु की टेंशन है, ना बिजनेस की टेंशन है, सारे काम मेरे जीवन में अच्छे चलते हैं। मतलब जो चाहिए वो सब मुझे मिल चुका है, और धीरे धीरे जो और चाहिए वो मिलता जा रहा है, और आप लोगों का साथ मिल रहा है, ये इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। क्योंकि इंसान के पास सब कुछ आ जाए, अगर फेम ना हो तो कहीं ना कहीं अधूरापन उसके जीवन में रहता है, लेकिन यूट्यूब पर आज फेम जो मुझे मिल रहा है, आप लोगों का साथ मिल रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खुशी है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं करा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।